जैसा कि आपको पता है कि UPCA के प्लेयर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, तो 24 फरवरी 2023 से प्लेयर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और उसकी लास्ट डेट भी आ गई है। कुछ डिस्ट्रिक्ट में 22 मार्च है और कुछ डिस्ट्रिक्ट में 24 मार्च है, तो आज 18 मार्च है, तो आपके पास सिर्फ 3 या 4 दिन का बचा है। डेट एक्सटेंड हो सकता है लेकिन अभी चांसेस नहीं है क्योंकि UPCA ने 1 महीने का टाइम दे दिया है, तो डेट बढ़ने के चांसेस कम है। तो मुझे लगातार मेरे चैनल पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, कमेंट में भी और इंस्टाग्राम पे भी DMs में मैसेज में आ रहे हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे कि हमको अपने डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का एड्रेस नहीं मिल पा रहा है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पे आए हैं, उस पे भी मैं बात करूँगा। वन बाय वन मैं सभी चीज़ें बात करूँगा कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा, क्योंकि कुछ जगहों में डॉक्यूमेंट्स वाला भी इशू है, तो सभी चीज़ें पर मैं बात करूँगा, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन जो सबका आ रहा है कि प्लेयर रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट हो गया लेकिन हमको अपने डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का एड्रेस नहीं मिल पा रहा है। आप बिल्कुल करेक्ट हैं क्योंकि 40 ही डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यूपी में अभी एफिलिएटेड है, मतलब मान्यता सिर्फ 40 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला है और यूपी में कुल 76-77 जिले हैं, तो 36 जिलों को मान्यता नहीं मिला है। तो अगर आप upca.tv पर जाइए, वहाँ चेक कीजिए, वहाँ सभी 40 जिलों के सेक्रेटरी का नंबर है और एड्रेस भी है, ईमेल भी है कि किन से कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं अगर आपको फॉर्म फिल करना है। अगर उन 40 मिलेट्स में नहीं है तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, आप अपने मंडल क्रिकेट एसोसिएशन से बात कीजिए, जैसे गोरखपुर मंडल हो गया, तो गोरखपुर मंडल में कुशीनगर और भी 4-5 डिस्ट्रिक्ट आएंगी, उनका वहाँ चेक कर सकते हैं। जैसे वाराणसी मंडल में हो गया, चंदौली हो गया भदोही इलाहाबाद मंडल में गया, भदोही प्रतापगढ़, ये सब इलाहाबाद मंडल में मिलेंगे। इसी तरीके से आपके आसपास डिस्ट्रिक्ट्स के जो बड़ी, जैसे लखनऊ के आसपास जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो लखनऊ क्रिकेट एसोसिएशन से कांटेक्ट कर लें, और मेरठ के आसपास जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है वो मेरठ से कांटेक्ट कर लें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके आसपास जो बड़ा जिला है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का आप नंबर लेकर वहाँ कॉन्टैक्ट कर लीजिए। फिर भी अगर आप नहीं पता चल पा रहा है तो आप मुझे इंस्टा पर DM कीजिए, मैं भी कोशिश करूँगा कि किसी अपने फ्रेंड से या किसी एकेडमी से कांटेक्ट करके आपको बता दूँ कि आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ से हो रहा है। बहुत से खिलाड़ी हमको मैसेज कर रहे हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि कहीं वो बाहर रहते हैं लेकिन वो बाय बर्थ UP से हैं या बोर्न UP में हुए हैं, तो आपके पास कोई भी UP का डॉक्यूमेंट होगा आप ट्रायल दे सकते हैं। हाँ, अभी बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी इसमें मांगा गया है, लेकिन अगर आप फॉर्म रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं तो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, तब भी आपको डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन टाइम दे देगा कि आप कुछ दिन का टाइम आपको दे देगा कि आप जब ट्रायल्स होंगे 10 दिन 15 दिन या 1 महीने में, तब अपना बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि उतने दिन में आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। तो बर्थ सर्टिफिकेट वाला इशू नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप आधार ले जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप का आप बाय बर्थ से कहीं भी समय रह रहे हो, बाय बर्थ यूपी से हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप UPCA के ट्रायल्स दे सकते हैं। और नहीं तो अपने आप ग्राम पंचायत से भी लिखाकर अपने आधार में करेक्शन करा सकते हैं, या निवास बनवाकर निवास में करेक्शन करा लेंगे अगर आपके आधार में। जैसे बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो बॉम्बे में रहते हैं क्योंकि उनकी फैमिली शुरू से ही बॉम्बे में सेटल हो गई है, तो उनका आधार भी बॉम्बे का है या किसी अदर स्टेट का है, तो फिर भी वो एलिजिबल है, वो यहाँ आ जाए, एक निवास प्रमाण पत्र बनवा लें, उससे अपना आधार का करेक्शन करा के फॉर्म सबमिट कर सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट